खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र में कल भगियापुर में एक व काबरी पटेल बलिया में तीन कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट आई। धूलकोट, भगियापुर, काबरी तीन कंटेनमेंट क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों द्वारा बाहर न निकलने एवं मुंह पर मास्क बांधने की हिदायत। अधिकारियों द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से जागरूक किया गया। बैंक संचालक, किराना व्यवसायी एवं अन्य दुकानदारों को मुंह पर मास्क पहने व्यक्ति को ही सामान देने व लेन देन की हिदायत दी। सर, किस विषय में ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है? ये कोरोना महामारी के इसमें ये कंटेनमेंट जोन है धूलकोट ग्राम पंचायत में। हाँ, और इसलिए इनको यहाँ पे हिदायत दी जा रही है। और बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं, हाँ, उनसे हम 100 रुपये भी अर्थदंड के रूप में वसूल रहे हैं। और इनको समझाइश बतौर ये दिया जा रहा है कि भाई इसको आप बिल्कुल अति आवश्यक रूप में माने और अपने आसपास लोगों को भी समझाइए। सर, मतलब भगवानपुरा क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो आपके द्वारा किस प्रकार की हिदायतें एवं जानकारियां दी जा रही है? जैसे कि अभी अपने यहाँ कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पहले पिछले दिनों धूलकोट में भी कुछ मामले निकले थे, जो खरगोन में भर्ती थे कुछ लोग वापस डिस्चार्ज सही होकर आ गए हैं। और उसी कड़ी में अभी हम लोग धूलकोट में आज के दिन सभी दुकानदारों को हमने ये सलाह दी है, समझाइश दी है कि वे अपने दुकान पे जब भी बैठेंगे तो मास्क का उपयोग करेंगे। कोई भी ग्राहक बिना मास्क का आएगा उपयोग उसको सामान नहीं देंगे, और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे।